हेलो फ्रेंड्स, इजी मीटिंग में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टू कलर का बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा और इजी सा डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं और जितना देखने में ये डिजाइन सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, टू कलर में हमारा ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आया है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर बनाने के बाद जो भी आप अपने फंदे बढ़ाओ, वे फंदे आप सीधी तरफ से बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये डिजाइन उल्टी तरफ से यानी यहाँ से बैक साइड से बनना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए हम 6 के मल्टीपल में फंदे लेके और 2 फंदे प्लस कर लेंगे, तो हमारा ये डिजाइन सही से सेटल हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम ये 2 कलर की ऊन लेंगे और इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस डिजाइन से हमने बेस कलर बनाया है यानी बॉर्डर बनाया है, उसी डिजाइन की हम ये पहली सिलाई बनाएंगे। जो सिलाई हमने यहाँ से बनाई थी फर्स्ट रो, वही रो अब हम यहाँ से बना के आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान डिजाइन है। 3 फंदे उल्टे बेस कलर के, 3 फंदे उल्टे। अब इस धागे को छोड़ देंगे और ब्लैक कलर लेंगे, ब्लैक कलर के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर दूसरा कलर लेंगे, इसके 4 फंदे उल्टे, 2, 3 और 4। फिर से इसको छोड़ देंगे और ब्लैक कलर लेंगे, इसके 2 फंदे फिर उल्टे। फिर इस कलर को छोड़ देंगे, दूसरा लेंगे और इसके 4 फंदे फिर उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, इस रो को हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, 4 फंदे बेस कलर के, 2 फंदे सेकंड कलर के। तो 4 फंदे हम ये बनाने के बाद 2 फंदे ब्लैक कलर के बनाएंगे। ऐसे ही इसको बनाएंगे और इस फर्स्ट रो को हम पूरा कर लेंगे, 4 फंदे बेस कलर के, 2 फंदे सेकंड कलर के यानी कि ब्लैक कलर के। लास्ट के जो 3 फंदे, फिर लास्ट में हमारे फिर से वही 3 फंदे आ जाएंगे। तो 2 फंदे फिर से ब्लैक कलर के, इसको छोड़ेंगे, फिर से 4 फंदे ये ऑरेंज कलर के, फिर से इसको छोड़ेंगे, 2 फंदे ब्लैक कलर के, फिर से 4 फंदे ऑरेंज कलर के, 2, 3 और 4। अब फिर इसको छोड़ेंगे, ब्लैक को लेंगे, इसके 2 फंदे फिर से उल्टे। अब फिर हमारे लास्ट में फिर यहाँ पे 3 फंदे ही बच गए, तो इन 3 फंदों को फिर से ऑरेंज कलर में बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम सेकेंड रो पे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही आसान डिजाइन है। अब जो ये 3 फंदे ऑरेंज कलर के हैं, इनको हम सीधा ही बनाएंगे ऑरेंज कलर से। 3 फंदे सीधे इसको छोड़ देंगे, ब्लैक कलर को आगे करेंगे और इसको यहाँ करके इस साइड में करेंगे, यानी हमारा यहाँ पे होल नहीं बनेगा। तो जो फंदे हमने ये फर्स्ट रो में ब्लैक उल्टे बनाए थे उल्टी तरफ से, तो ये सीधी तरफ से भी हमारे उल्टे ही बनेंगे। ये दोनों साइड से हमारे ब्लैक फंदे उल्टे बनेंगे। ऐसे धागे को पीछे करेंगे और फिर ये 4 फंदे फिर सीधे ऑरेंज कलर के, ऐसे 3 और 4। अब फिर इस धागे को ऐसे आगे करेंगे और इस ब्लैक को आगे लेके आएंगे और ये 2 फंदे उल्टे। जो फंदे हमने फर्स्ट रो में ब्लैक उल्टे बनाए थे, वे सीधी तरफ से भी हमारे अब उल्टे ही बनेंगे। और जो ऑरेंज फंदे हैं 4, ये फंदे सीधे बनेंगे। तो 4 फंदे ऑरेंज कलर से सीधे और 2 फंदे ब्लैक हैं जो उनको हम उल्टा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे ऐसे और ये 2 फंदे उल्टे।
फिर धागा पीछे करेंगे और फिर ऑरेंज कलर से चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर ब्लैक कलर को आगे करेंगे ऐसे और ये दो फंदे ब्लैक वाले उल्टे। ये ब्लैक फंदे हमारे फर्स्ट रो में भी और सेकंड में भी उल्टे ही बनेंगे दोनों तरफ से। अब ये चार फंदे सीधे, एक दो तीन और चार। अब फिर आगे करेंगे ब्लैक कलर को और ये दो फंदे फिर उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे और ये चार फंदे, एक दो तीन चार। अब फिर धागा आगे करेंगे और ये दो फंदे फिर से उल्टे, धागा पीछे करेंगे लास्ट के तीन फंदे ऑरेंज कलर के सीधे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम थर्ड रो पे। ये थर्ड रो में हम अपना ये ऑरेंज कलर लगाएंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं लगाएंगे। तो इन फंदों को हम तीन फंदों को उल्टा बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही आसान डिजाइन है, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए। ये जो दो ब्लैक कलर के फंदे हैं, इनको ऐसे एक बार नहीं बुनेंगे, इस पे दो बार धागा घुमाएंगे ऐसे। दो बार धागा घुमा के फिर इस फंदे को बनाएंगे, फिर से इस फंदे को एक बार दो बार धागा घुमा के इसको ऐसे बना देंगे। फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। फिर से ये दो ब्लैक हैं, इनको दो बार धागा घुमा के बना देंगे, एक दो। फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। अब फिर ये ब्लैक फंदे हैं जो, इनको दो बार धागा घुमा के उल्टा ही बनाएंगे, दो बार। फिर से चार फंदे उल्टे, दो तीन चार। अब फिर दो बार धागा घुमाएंगे और इसको फिर से बना देंगे ऐसे, फिर से चार फंदे। वैसे हमारी ये पूरी रो उल्टी ही बनती जाएगी, एक कलर से ही। इसमें दूसरा कलर हम ज्वाइंट ये नहीं करेंगे, सिर्फ ये दो फंदे दो बार धागा घुमा के बनाएंगे। फिर से चार फंदे सीधे उल्टे। अब फिर ये दो फंदे फिर से दो बार धागा घुमाएंगे और इनको बना देंगे ऐसे। अब फिर तीन फंदे उल्टे। अब आएंगे हम फोर्थ रो पे। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ रो में हम फंदों की जगह चेंज करेंगे। जो हमारे ये तीन फंदे हैं स्टार्टिंग के सीधे, इनमें से हम एक फंदा बुन लेंगे ऐसे। और दो फंदे तो हमारे ये सीधे, अरे कि दो बार धागा घुमाया हुआ, इन तीनों फंदों को ऐसे निकाल लेंगे। पहले हम ये दो फंदे सिंगल सिंगल है, इनको डाल लेंगे और इस फंदे को ऐसे खोल के फर्स्ट फंदे की जगह ले आएंगे ऐसे। ये हमारा फंदा आगे की तरफ आ गया ऐसे। फिर इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फंदे हमारे, एक फंदा अब ये है जो दो बार धागा घुमाया है, दो फंदे ये यहाँ पे सीधे हैं। इन फंदों को अंदर की तरफ लाएंगे और जो ये दो बार धागा घुमाया है इसको लास्ट में लेके आएंगे। तो इस फंदे को यहाँ से दो फंदे निडल में ऐसे डाल लेंगे ऐसे, पीछे की साइड से, और इसको ऐसे निकाल देंगे। इस फंदे को पीछे लेंगे और इन फंदों को अंदर की तरफ करके इन तीनों फंदों को अब सीधा बुन देंगे, एक दो तीन ऐसे। अब फिर जो ये दो फंदे अंदर की तरफ हैं, दो बार धागा घुमाए हुए, दो ये सीधे हैं, दो इस साइड के सीधे हैं। तो जो ये दो फंदे हैं हमारे बीच में, इन फंदों को बाहर की तरफ लेके आएंगे, इस फंदे को यहाँ और इस फंदे को यहाँ पे। तो हमारे ये तीन फंदे हम निकालेंगे इनको ऐसे, और ये सेकंड फंदे को डालेंगे, फिर फर्स्ट को डालेंगे, और अब ये जो थर्ड फंदा है इसको बाहर की तरफ फर्स्ट फंदे की जगह है ले आएंगे और इन तीनों फंदों को सीधा बुन देंगे, एक दो तीन।
अब फिर ये दो फंदे पीछे की साइड से लेंगे और ऐसे निकाल लेंगे, इसको लास्ट में कर लेंगे, इसके धागे खोल देंगे। अब फिर तीन फंदे सीधे, दो तीन, इनको ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब फिर इन तीन फंदों को निकाल लेंगे, दो को पहले डाल लेंगे, लूप वाले को बाहर की तरफ करेंगे और इन तीनों को सीधा बना देंगे, एक दो तीन। अब फिर ये दो फंदे लेंगे और इस लूप वाले को बाहर की तरफ करेंगे और इन तीनों फंदों को सीधा बना देंगे, एक दो तीन। अब फिर ये तीन फंदे निकालेंगे, एक लूप वाला, दो सीधे फंदे, दो को लेंगे, लूप वाले को आगे की तरफ ले आएंगे ऐसे, और इन तीनों को सीधा बना देंगे, दो तीन। अब फिर ये दो फंदे बैक साइड से इस निडल पे डालेंगे, लूप वाले को निकाल देंगे, ऐसे लूप वाले को लेंगे, लास्ट में करेंगे इसको, पहले इन दो फंदों को बुनेंगे और लास्ट में लूप वाले फंदे को बुन लेंगे ऐसे। अब फिर ये तीन फंदे फिर निकालेंगे, इन दो फंदों को ऐसे लेंगे और लूप वाले को आगे की तरफ करके बुन देंगे, एक दो तीन। अब फिर ये फंदे लेंगे बैक साइड से, लूप वाले को निकाल देंगे, इसको पीछे करेंगे ऐसे और ये दो फंदे डाल लेंगे। अब फिर इन तीनों फंदों को फिर से बुन देंगे, दो तीन। अब फिर इन तीन फंदों को निकालेंगे, दो को नीडल पे डाल लेंगे ऐसे और इस फंदे को यहाँ डाल लेंगे आगे की तरफ, और इन सभी फंदों को सीधा बुन देंगे, दो तीन। अब फिर जो लास्ट के तीन फंदे हैं, इनमें से दो फंदे ऐसे निडल में डाल लेंगे बैक लूप से, और इस लूप वाले फंदे को ऐसे निकाल के लास्ट में कर लेंगे। ये तीन फंदे हमारे सीधे, और देखिए फ्रेंड्स जो एच स्टिच है इस फंदे को भी हम सीधा ही बनाएंगे ऐसे। ये हमारी 4 रोज बन के कंप्लीट हुई। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा डिजाइन ऐसे जिक जैक में ऐसे जाता जाएगा, बहुत ही प्यारा डिजाइन लगता है। अब जैसे हमारा ये डिजाइन यहाँ पे बना था ये ब्लैक कलर से, अब जो ये फंदे, जो दो फंदे बीच में यहाँ पे हैं, जो ये लूप वाले, ये दो फंदे, इन पे हम ब्लैक कलर का फंदा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स एक बार ये दोबारा से स्टार्ट करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। तो इस फंदे को एक, अब एक फंदे को बुनेंगे यहाँ पे, एक फंदे को बुनने के बाद अब हम यहाँ पे इस फंदे को एक बार ऐसे उल्टा बना देंगे, एक फंदा उल्टा। अब फिर से हम चार फंदे सीधे, एक बार हम यहाँ पे तीन फंदे बनाने के बाद दो फंदे उल्टे बनाएंगे, दूसरी बार स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे एक फंदा उल्टा बना लेंगे। तो ये चार फंदे उल्टे, अब ये दो फंदे फिर ब्लैक कलर के, अब फिर चार फंदे फिर से उल्टे। आगे इसमें तीन सिलाइयों का प्रोसीजर सेम ही रहेगा जो मैंने पहले आपको ये बताई है, आगे फिर से ऐसे ही हम इनको रिपीट करते जाएंगे। दो फंदे ब्लैक कलर के और चार फंदे, सिर्फ इसमें आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना होगा सिर्फ, कि आपका डिजाइन कहीं बिगड़ ना जाए, स्टार्टिंग में ही थोड़ा ध्यान रखिएगा, और तो हमारा इसमें सेम ही रिपीट होता जाएगा। दो उल्टे फिर से चार उल्टे, एक दो तीन चार, फिर से दो ब्लैक कलर के, एक दो, फिर से चार ऑरेंज कलर के, एक दो तीन चार, फिर से दो ब्लैक कलर के, एक दो, फिर से चार, एक दो तीन और चार, फिर से एक फंदा ब्लैक कलर का और लास्ट का फंदा एच स्टिच है वो ऑरेंज कलर का।
तो अब आएंगे हम छठी सिलाई पर सीधी तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने एक बार फिर से स्टार्ट करके आपको दिखा दिया है। ऐसे ही इस डिजाइन को आप रिपीट करते जाइएगा और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। चार चार सिलाइयों को रिपीट कीजिएगा और बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। थैंक यू।